एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना प्रॉब्लम नंबर 3 लीड कोड से, जो कि हैमिंग डिस्टेंस का, और ये टॉपिक है हमारा बिट मैनिपुलेशन के टॉपिक से। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम लीड कोड से सॉल्व कर चुके हैं। ये भी हमारा क्या है, इजी लेवल का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 इंटीजर्स इज द नंबर ऑफ पोजिशन एट विच द कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स आर डिफरेंट। नंबर ऑफ पोजिशन जहां पे बिट्स डिफरेंट है उसको बोल रहे हैं हम लोग हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है हमारे पास 2 इंटीजर एक्स और वाई, 2 इंटीजर गिवन है और रिटर्न करना है दोनों का हैमिंग डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हमें बोला है यहाँ पे गिवन 2 इंटीजर एक्स एंड वाई, उसी तो यहाँ पे देखो इनपुट हमारे पास क्या है, एक्स और वाई 2 इंटीजर हमें दे दिया है, और इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 और यहाँ पे 4 है, तो 1 और 4 हमारी एक्स और वाई की वैल्यू है। हमें आउटपुट लाना है 2, तो ये 2 किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे 1 का बाइनरी क्या होता है, 1 का बाइनरी हमारे पास 1 ही होता है, तो 1 का बाइनरी 1 होता है, लेकिन ये 4 बिट में लिया गया, तो 4 बिट में अगर देखे 1 का बाइनरी तो क्या होगा, 1 2 3 0 और ये 1, ठीक है। और उसके बाद y इक्वल टू हमारे पास है 4, तो 4 का बाइनरी क्या होगा 4 बिट में, 0 1 0 0, ठीक है। अब क्या है, हमें आउटपुट निकालना है 2। ये 2 किस तरीके से आ रहा है, जैसे देखो ये 0 पोजीशन वाला बिट है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो हर एक बिट पोजीशन पे हमारे जो दोनों नंबर के जो बिट्स है वो डिफरेंट अगर रहेंगे तो वो हम लोग उसको हमें बोलना पड़ेगा हैमिंग डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वाले पे, इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पे बेसिकली ये 1 है और ये 0 है, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स लिख देती हूँ, इंडेक्स है ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे ये 1 है और ये 0 है, ठीक है, ये 1 है और ये 0 है, तो ये वाला एक हमारा हो गया। उसके बाद हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे 0 0, दोनों हमारा क्या है बिट डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सेम है यहाँ पे 0 0, तो हम लोग यहाँ पे इसको कुछ नहीं, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड बिट पोजीशन पे ये 0 है और एक 1 है, एक नंबर हमारा, दो नंबर दिए ना, एक नंबर 0 और एक 1 है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, यहाँ पे भी हमें डिफरेंस दिख रहा है। और इसी तरीके से थर्ड वाली बिट पोजीशन पे भी 0 0 है, तो यहाँ पे भी नो डिफरेंस। अब अगर मान लो 32 बिट के लिए भी ले हम लोग, ठीक है, हम लोग जैसे 4 बिट में लिया, 32 बिट पे भी ले, तो सब यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0 0 ही होगा, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ले भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कुछ भी हम लोग अभी सोच के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये इंट है तो 32 ही बिट होगा, 32, तो कोई डिफरेंस लेकिन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 बिट के दिमाग में रख के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 2 एरो बना, तो इसीलिए आउटपुट हमारा 2 आया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है ठीक से दिया हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे भी दूसरा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, सेम हम लोग जो पिछले वीडियो में जो प्रॉपर्टी यूज किए थे वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी देखो, ए एंड 1 अगर करते हैं तो हमारा क्या आता है, ए एंड 1 करते तो 0 आता है जब हमारा लास्ट बिट 0 रहता है, और 1 आता है जब हमारा लास्ट बिट 1 रहता है। इसका मतलब, ये चीज हमने पहले भी पढ़ा था इसका एक्सटेंशन, कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बेसिकली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, हमारा जो 32 बिट इंटीजर बोल रही हूँ, सॉरी 32 बिट हमारा बाइनरी है, उसमें जो हमारा 0 इंडेक्स वाला जो बिट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसको किस तरीके से निकालेंगे, ए एंड 1, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये 1 1 0 1 है, ये हमारा बाइनरी है, इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, ये वाला सबसे इस साइड वाला हमारा, इसमें है 1 1 0 0, ये वाले में अगर इस वाले की बाइनरी की बात करें तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, ये 0, ठीक है। तो ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट है, तो इसको यही तो हमारा आंसर आ रहा है ना, देखो यहाँ पे ये 0 था तो 0 आंसर आया, ये 1 था तो ये 1 आंसर आया, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे हम लोग ये वाले चीज को यूज कर सकते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट निकाल करके, किस तरीके से, देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे, और दोनों नंबर का हर बार ही जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगा उसके, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला नंबर है, ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर, तो इसके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है फर्स्ट वाले का, ये 1 है और इस वाले का क्या है, 0 है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे। देखो काउंट यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ना, काउंट हम लोग एक वेरिएबल मान लेंगे और काउंट को बढ़ा देंगे अगर इक्वल नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर को राइट शिफ्ट कर देंगे, नंबर को राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर हम लोग ये वाला, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा हुआ है राइट शिफ्ट। उसके बाद फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों बिट को, फिर हम लोग उसको चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं, अगर है इक्वल तो छोड़ देंगे, अगर इक्वल नहीं है तो काउंट को बढ़ा देंगे। उसी तरीके से सेकंड बिट पे भी हम लोग चेक करेंगे और हम लोग राइट शिफ्ट करते जाएंगे। राइट शिफ्ट करने से क्या होगा, जैसे कि ये नंबर 0 1 0 0 है, इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो, जैसे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जैसे ये नंबर 0 1 0 0 है, इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला एक हट जाएगा, ये इधर और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1 0।
ठीक है। तो राइट शिफ्ट करने से नंबर क्या होगा हमारा, जो ये वाला बिट है ये हट जाएगा और हमारा 010 आ जाएगा, और जैसे 010 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 00 है, फिर से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करके चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा कोड है ये वाला चीज, देखो काउंट हमने रखा हुआ है अपना, तो काउंट इक्वल टू यहाँ पे 0 असाइन कर लेंगे, मैंने किया नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसा कर लो कि काउंट यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। 0 असाइन करना है काउंट को, पहले काउंट की वैल्यू 0 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, गिवन टू इंटीजर बोला है यहाँ पे, इंटीजर मतलब 32 बिट्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे जो 0 से लेके 32 तक जाएगा, मतलब 32 टाइम्स हमारा फॉर लूप चलेगा, और हर एक बार हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो रहेगा हम लोग उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे दोनों नंबर का। तो हमारे पास जो दो नंबर है ना, ये एक्स और एक वाई, दोनों का क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो एंड करके चेक कर रहे हैं, एक्स एंड वाई अगर नॉट इक्वल टू वाई एंड वन है, ठीक है, एक्स एंड वन नॉट इक्वल टू वाई एंड वन है, मतलब दोनों को एंड करा रहे, दोनों का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस है तो हम लोग काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, और फिर जैसे ही काउंट प्लस प्लस होगा हम लोग क्या करेंगे, एक्स को राइट शिफ्ट कर देंगे, और जो दूसरा नंबर है उसको भी, वाई को भी हम लोग राइट शिफ्ट कर देंगे, तो एक्स को राइट शिफ्ट और वाई को राइट शिफ्ट कर देंगे, और ये हमारा 32 टाइम्स चलेगा, उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे काउंट को, ये बस इतना ही सिंपल है। तो ये हमारा क्या है, ये लूप हमारा चलेगा 32 टाइम्स, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 32, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 की कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा, ठीक है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि इसमें हम लोग कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं। तो आगे हम लोग अपने लीड कोड पे, सेम क्वेश्चन है हमारा हैमिंग डिस्टेंस का, क्वेश्चन नंबर 461 है, ठीक है। इस क्वेश्चन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सॉल्यूशन हमने वही लिखा है कि हमने इंट जो है काउंट की वैल्यू पहले 0 रखी हुई है और लूप चला रहे हैं हम लोग 31 टाइम्स तक, मतलब ये 0 से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए ये जो है इक्वल टू 0 से लेस देन 31 तक हम लोगों ने चलाया है इसको। उसके बाद इफ अगर यहाँ पर हमारा एक्स एंड वन नॉट इक्वल टू वाई एंड वन है, दोनों का जो लास्ट बिट है अगर सेम नहीं है, तो हम लोग काउंट को जो है इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद काउंट को इंक्रीज करने के बाद हम लोग एक्स को भी राइट शिफ्ट कर रहे हैं और वाई को भी राइट शिफ्ट कर रहे हैं, और लास्ट में हम लोग काउंट को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ये हमारा कोड है जैसे हमने अभी देखा था, उसको रन कर दिया, एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे, ये देखो ठीक है। उसके बाद हम लोग सबमिट करते हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।